Assalamu alaikum students of grade 6 how are you all I hope you all are doing well and great here we are going to start the chapter 2 which is about the sense organs uh, so first we have to know about the sense organs we have five sense uh, organ which is a sense of uh, smelling which is related to nose sense of taste which is related to tongue sense of hearing which is related to uh, ear and a sense of sight, which is uh, related to eye, and the last one is sense of touch, which is related to skin. So, uh, these are the five sense organs.

यू हैव स्टडी अबाउट द्रम सेंसेस एंड ऑर्गन्स इन डिटेलिंग क्लास वन एंड फोर रिस्पेक्टिवलीस ऑर्गन आर दोज ऑर्गन दैट आर कनेक्टेड विद दिससेस दैट टेक इन इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द्रेन अच्छा सेंस ऑर्गन के बारे में आपने क्लास वन एंड फोर में भी अपने तौर तरीके से पढ़ा ही होगा सेंस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं हमारे सेंसेस से और क्या करते हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं ब्रेन तक यानी जितने भी ये पांच हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं ये ब्रेन पहुंचाते हैं सॉरी मैसेज पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन तक तब जाके हमें पता चलता है द ह्यूमन सेंस ऑर्गन कंटेन स्पेसिफिक रिसेप्टर दैट पास ऑन द इन्फॉर्मेशन टू द नर्वस सिस्टम हमारे सेंस uh, ऑर्गन में एक ख़ास रिसेप्टर uh, होता है रिसेप्टर एक ऐसा स्पेशलाइज सेल होता है जो uh, ये डिटेक्ट करता है बताता है और फिर uh, उस इंफॉर्मेशन को पास कराता है हमारे नर्वस सिस्टम तक जि थ्रू सेंसरी न्यूर सेंसरी न्यूरस के ज़रिए और फिर जाके हमें फ़ील होता है क्या क्या है अगर वो स्मेल है तो हम उसको बता सकते हैं अगर किसी चीज़ को टच करते हैं तो वो भी हम फिर बता सकते हैं द फाइव सेंस ऑर्गन्स ऑफ स्मेल टेस्ट हेयरिंग साइट एंड टच इन ह्यूमन पींग्स आर नोस टंग ईयर आई एंड स्किन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंस ऑफ टेस्ट का ताल्लुक किससे है दैट इज टंग से है टच सेंस ऑफ हेयरिंग का ईयर से है टच ऑफ साइट आई से है एंड टच ऑफ सेंस ऑफ टच किस है स्किन से है नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन्स इन डिटेल अब हम इसके ऑर्गन्स के फंक्शन के, के बारे में यानी किस तरह काम करते हैं डिटेल में पढ़ेंगे अच्छा डू यू नो में इधर देखिए द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइव सेंस ऑर्गन्स दैट इज़ साइट से स्मेल टेस्ट टच एंड हेयरिंग इज क्रेडिक्टेड टू एरेस्टोटल इसका ताल्लुक़ जो है वो एरेस्टोटल को दिया गया है अच्छा टिब्बट में देखें रिसेप्टर्स आर ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज सेल्स दे कैन डिटेक्ट चेंजेस इन द इन्वायरमेंट रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ऐसे एक खास किस्म के स्पेशलाइज सेल होते हैं कि जो हमें हमें जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जो माहौल में हो रहा होता है वो हमें बताता है और मैसेज भिजवाता है ब्रेन तक सेंसरी न्यूरो आर नर्व सेल्स ये कैसे नर्व सेल्स हैं प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम में होते हैं ये दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन और ये uh, किस इसकी जिम्मेदारी क्या है कि ये इंफॉर्मेशन uh, पास करवाते हैं ब्रेन तक यानी जो हम फील करते हैं रिसेप्टर्स उनको सेंड करता है सेंसरी न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए वो जाके इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है नाउ कमिंग टू द टॉपिक स्ट्रक्चर इन द फ्शन ऑफ अ नोज़ अब हम नाक के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे नोज इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ स्मेल दैट फंक्शन एज पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम द नोज इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट अच्छा सबको पता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ रिलेटेड टू आवर लंग्स जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं एंड एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन ये प्रोसेस होता कहाँ से है नोज़ इस रिस्पॉन्सिबल ठीक है नोज से हम सांस लेते हैं अब नोज़ को उन्होंने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्सटर्नल नोज जिसको हम आउटसाइड एरिया का नोज़ बोल सकते हैं या बाहर वाला साइड जो है हमारा द नोज़ इज़ प्रेजेंट ऑन द फेस नाक तो आ, हमारे चेहरे पे मौजूद है इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज बोन मसल एंड स्किन अच्छा सब आप अपने नाक को फील कर सकते हैं कि नाक की जो हड्डी है नरम हड्डी दैट इज़ कॉल्ड कार्टिलेज इसमें बोन भी है और मसल भी है और स्किन भी है ये बाहर वाले हिस्से की बात हो रही है This composition support and protects the anterior portion of the nasal cavity. ये तरकीब जो है ये पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटीरियर यानी सामने का हिस्सा जो है नाक का that is nasal cavity वो प्रोटेक्ट करता है Nasal cavity ये जो आप नाक का हिस्सा देख रहे हैं इधर ये मैं आपको इधर अभी दिखा दूँगी इसमें दीज़ आर कॉल nostrils और ये अंदर जो दो हिस्से हैं दीज आर कॉल नेजल कैविटीज़ द ओ द टू ओपनिंग इन द नोज आर कॉल नोस्ट्रेल्स ये हैं आपके बुक पेज ट्वेंटी वन पे नोस्ट्रेल्स ये दो ओपनिंग ठीक है इनको हम नोस्ट्रल्स बोलेंगे अच्छा ड्यू नो you know में देखें ऑन एवरेज मैन हैव लार्जर नोजेज दैन वोमेन वो कह रहे हैं कि एवरेज के लिहाज से देखा जाए तो मर्दों की जो नाक है वो औरतों से बड़ी होती है तो ये हो ये तो हुआ हमारा एक्सटर्नल नोज अब आते हैं इंटरनल नोज पे इंटरनल फिर अंदर का हिस्सा है नोस्टल्स फर्दर एक्सटेंड इनटू तो टू टू नेजल कैविटीज़ अब ये नोस्टल्स जो हैं वो फर्दर अंदर जब जाते हैं दीज आर कॉल नेजल कैविटीज देर दैट आर सेपरेटेड बाय सेप्टम अब ये अलग अलग है ये बीच में अंदर जुड़े हुए नहीं हैं तो ये बीच वाला इलाका जो है दैट दिस इज़ कॉल सेप्टम सेप्टम इज़ अ वॉल्क मेड अप ऑफ कार्टिलेज और ये सेप्टम जो होता है ये कार्टिलेज से बना हुआ है कार्टिलेज जिसे हम नरम ना, हड्डी बोलते हैं ईच नेजल कैविटी इज़ एन एम्टी ठीक है नेजल कैविटी हमारी एम्टी ही होती है स्पेस होता है विद इन द नोज एंड ब्रेन ये ये दो नेजल कैविटीज़ जो हैं दीज आर एमटी स्पेस इट इज़ लाइन विद हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें हेयर uh, होता है और म्यूकियस मेम्ब्रेन होता है समथिंग uh, जो कि uh, थोड़ा वाटरी uh, होता है नोज जो होता है वो कभी भी ड्राई नहीं रहता हमेशा मॉइस्ट रहता है सो जब मॉइस्ट रहता है दैट लिक्विडी फॉर्म इज़ कॉल्ड म्यूकियस मेम्ब्रेन और साथ में बाल भी होते हैं द म्यूकस इज़ मेड ऑफ वाटर ये म्यूकस जो लिक्विड होता है ये पानी से बना होता है प्रोटीन होता है इसमें एंड सॉल्ट भी होता है इट इज़ ट्रांसपेरेंट हाँ या ट्रांसपेरेंट होता है इसका कोई कलर नहीं होता डीप इन साइड द नोज देर इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कैनाल्स एंड पॉकेट्स ऑफ एयर कॉल कैविटीज़ अच्छा ये जो uh, uh, ना नेसल कैविटी के अंदर कुछ वो कह रहे हैं कि हमारे पास पॉकेट्स एयर पॉकेट्स होते हैं जिसको हम कैविटीज़ बोलते हैं अब ये एयर पॉकेट्स करते क्या हैं यहाँ पर ये जो सांस हम इनटेक कर रहे होते हैं अगर उनमें कोई बैक्टीरिया है या डस्ट है या कुछ भी है तो वो यहाँ पे एयर पॉकेट्स होते हैं ये एयर पॉकेट्स क्या करते हैं ये उस एयर में अगर जितना भी डस्ट है तो वो उसको यहाँ पे जमा करके छोड़ देते हैं और बाकी एयर अंदर लेके जाते हैं दिस कैविटीज़ आर प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ द स्कल राइट अबव द ओरल कैविटी ठीक है विद इन द चीक पोन एंड बिटवीन द आइज़ विद इन द चीक पोन एंड बिटवीन द आइज़ यहाँ पर ये कैविटीज़ होते हैं इंस्टाग्राम में आप देखें इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है दीज आर द कैविटीज़ जब आप ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं तो यहाँ से ये फिल्टर होके साफ ऑक्सीजन अंदर चला जाता है यहाँ पर सामने से यू नजर आ रहा है यानी ये बिल्कुल आंखों के बीच में है यहाँ पर ओके देन वी हैव बीनीथ द नोज फर्नेस थ्रॉड इज प्रेजेंट ठीक है ऑल दिस एरियज आर रिस्िपांसिबल फॉर ब्रीथिंग स्मेलिंग टेस्टिंग एंड द इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम क्या है जो हमारी बॉडी डिफेंस करता है किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट यानी महफूज करता है और जो जैस टेस्टिंग हुआ स्मेलिंग हुआ ब्रीथिंग का सिस्टम हुआ वो सब रिस्पॉन्सिबल है इस एरिया में यहाँ पर ठीक है समझ आ गया तो ये था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नोज़ अब इसका फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन नोज़ का फंक्शन क्या है नोज़ इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट एक्ट्स एस एन एयर पैसेज वे फॉर ब्रीथिंग सबको पता है कि हम सांस लेते हैं तो हम नोज के जरिए ही लेते हैं सो इट इज़ द पैसेज वे फॉर ब्रीथिंग द इनहेल एंड एक्सेल ऑफ एयर इज मेनली डन विद द हेल्प ऑफ नोज जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और जो बाहर निकालते हैं वो किसके ज़रिए होता है वो इन नोस्टल्स के ज़रिए होता है एज एयर पासिस ओवर द स्पेशाइज सेल्स ऑफ द सेंसरी सिस्टम यूज़ फॉर स्मेलिंग द ब्रेन ऑल्सो रिकोगनाइज एंड आइडेंटिफाई स्मेल जैसे कि हमने रिसेप्टर्स के बारे में बात की कि जो हम स्मेल करते हैं वो स्पेशलाइज सेल रिसेप्टर्स हैं रिसेप्टर्स पर सेंड करते हैं सेंसरी सिस्टम के जरिए और फिर जाके वो ब्रेन में जाके हमें पता चलता है कि हम क्या चीज़ को स्मेल कर रहे हैं सेकेंड हमारे पास है द फंक्शन ऑफ द नेजल कैविटी इज़ टू वार्म मॉइस्चराइज एंड फ़िल्टर द एयर दैट इंटर्ज द बॉडी बिफोर इट रीचेस द लंग्स दूसरा काम इसका क्या है कि ये जो नेजल कैविटी होती है ये हमेशा वार्म रहता है और मॉइस्चर रहता है गीला रहता है और इसका काम क्या है कि ये हवा को फ़िल्टर करता है द नोज़ इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ़ डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़ ना नोज़ जो है वो आ, आ, किसी भी डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है क्योंकि हम नाक को मतलब हम अगर कोई डस्ट है या कोई धुआं है किसी जगह पे गंदगी है कुछ भी है हम नाक को कवर करेंगे तो ये सबसे बेस्ट होगा हमारे लिए कि हम किसी भी डिजीज़ से दूर रह सकेंगे अच्छा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में देखें द टेक्निकल टर्म यूज़ फॉर सेंस ऑफ स्मेल इज़ ऑल सेंस ऑफ स्मेल के लिए जो टेक्निकल टर्म वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ ऑल फैक्शन डी यू में देखें हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल इज़ हाइपेरोसमिया इसको हाइपेरोसमिया बोलते हैं एंड इन एबिलिटी टू स्मेल इज एनोसमिया सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इस पर टिक लगा दें क्योंकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर आपको ब्लैंक्स uh, में भी आ सकती हैं

द नोज ऑल्सो प्ले अ रोल इन हेयरिंग अब नोज़ का काम जो है वो हेयरिंग में भी यूज़ होता है इट हेल्प सिकुलाइजिंग एयर प्रेशर इन द एयर विद एटमोसफेयर अराउंडेड विच इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हेयरिंग जब आप स्मेल करते हो तो कानों में एयर प्रेशर का इक्वल होना बहुत ज़रूरी होता है जो एटमोसफेयर uh, के एयर के जरिए होता है तो जिसकी वजह से हम uh, आसानी से मतलब उस ची जो हम स्मेल कर रहे हैं उसको हेयरिंग के जरिए भी हम उसको अच्छी तरह स्मेल कर सकते हैं अच्छा टिब्ब में देखें द मस्कुलर ऑर्गन इज़ एन ऑर्गन मेड फ्रॉम स्केलेटन स्मूथ एंड कार्डि कार्डिक मसल मस्कुलर ऑर्गन कौन सा होता है वो ऑर्गन है जो स्केलेटन एंड स्मूथ एंड कार्डिक मसल से बना होता है आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल अबाउट द नोज So please uh, like and subscribe my channel. Thank you.